गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल अगेन डिस्कस अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सम कंपाउंड। इससे पहले हम लोगों ने जो पोटेशियम परमैंगनेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट और आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्टैंडर्डाइजेशन देखा था, कैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। आज में हम कुछ और अदर कंपाउंड को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हम कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इसका प्रिंसिपल है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन अप टू 38% HCl कंसंट्रेटेड ग्रेड जो होता है। हायर कंसंट्रेशन अप टू जस्ट ओवर 40% आर केमिकली पॉसिबल, बट द इवेपोरेशन रेट इज देन सो हाई दैट स्टोरेज एंड हैंडलिंग नीड एक्स्ट्रा प्रिकॉशन सच एज प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लेबोरेटरी ग्रेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट सफिशियंटली प्योर टू बी यूज एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड बिकॉज इट इवेपोरेट्स इजली। ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट अकर्स इज एज फॉलोज Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl H2O CO2। मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर सोल्यूशन इज यूज एट द इन पॉइंट वेन न्यूट्रलाइजेशन जस्ट अकर्स द इंडिकेटर चेंजेस कलर फ्रॉम येलो टू पीच पिंक। यहाँ पर ये बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो लगभग लगभग आपका 38% सोल्यूशन जो होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो 38% HCl जो होता है वो कंसंट्रेटेड ग्रेड होता है, मतलब इस कंसंट्रेशन का होता है। इससे अब कंसंट्रेशन का बनाना जो होता है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इसकी वजह से इवेपोरेशन रेट जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है और उसको स्टोर करना प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो लेबोरेटरी ग्रेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सफिशिएंटली प्योर भी नहीं होता है। तो इन्हीं कुछ वजहों से हमको इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, ताकि हम जान पाएँ कि इसका स्ट्रेंथ, इसकी प्योरिटी, इसकी नॉर्मेलिटी क्या है। तो इसमें हम देखेंगे मेथड क्या होता है। तो डाइल्यूट करेंगे 85.0 ml ऑफ कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद प्योरीफाइड वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml, यानी 85 ml लेके 1000 ml वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे, तो इससे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो वे अप्रेटली अबाउट 1.5 ग्राम ऑफ एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट प्रीवियसली हीटेड एट अबाउट 270 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर, जस्ट लाइक H2SO4 में जो हमने किया था उसी तरीके से यहाँ पर है। डिजॉल्व इट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड एड 0.1 ml ऑफ मेथिल रेड सोल्यूशन। पूरा प्रोसीजर सोडियम कार्बोनेट बनाने का जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने किया था वही है। एड द एसिड स्लोली फ्रॉम ए ब्यूरेट विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग अंटिल द सोल्यूशन बिकम्स फेंटली पिंक। हीट द सोल्यूशन टू बॉइलिंग, कूल एंड कंटिन्यू द टाइट्रेशन। हीट अगेन टू बॉइलिंग एंड टाइट्रेट फर्दर एज नेसेसरी अंटिल द फेंट पिंक कलर इज नो लॉन्गर अफेक्टेड बाई कंटिन्यूड बॉइलिंग। ईच ml ऑफ 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्विवेलेंट टू 0.05299 ग्राम ऑफ Na2CO3। जस्ट जैसे हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड में किया था सोडियम कार्बोनेट का, वही यूज़ करेंगे। वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड था, यहाँ पर HCl है। चूँकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा किया जा रहा है। इसमें अगला है सोडियम थायोसल्फेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा आपके एनालिसिस में, इसलिए इसको ध्यान से देखें। सोडियम थायोसल्फेट, द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज बेस्ड ऑन रेडॉक्स आइडोमेट्री टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडाइड प्राइमरी स्टैंडर्ड। यहाँ पर ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है बट आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, क्योंकि आयोडीन का यूज़ किया जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाएगा एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसलिए रेडॉक्स आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। पोटेशियम आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ट्रीटेड विद एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड इन HD मीडिया विच लिबरेट्स आयोडीन विच इज बैक टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। Uniformly of reaction between iodine and sodium thiosulfate form basis for utilizing the standard solution of iodine in the analysis of sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate is used in the analysis of iodine. In the analysis of iodine, star solution is used as indicator. यहाँ पर जो primary standard है वो sodium क्या कहते हैं उसको potassium करके आपका पोटेशियम आयोडेट है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड मैं आपको बता चुका हूँ प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए पोटेशियम आयोडेट है, और इसमें जो इंडिकेटर है वो आपका स्टार्च सोल्यूशन है। रिएक्शन है, देख सकते हैं आप, पोटेशियम आयोडेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे।
पोटेशियम सल्फेट आयोडीन लिब्रेट होगी। ये जो लिब्रेटेड आयोडीन होती है, यानी जो आयोडीन लिब्रेट होती है, मुक्त होती है, उसी का रिएक्शन हम उसी से सोडियम, उसी के द्वारा सोडियम जो थायोसल्फेट है वो स्टैंडाइज किया जाता है। अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो डिसॉल्व 25 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्री डिस्टिल वाटर एंड डायलेटेड टू 1000 ml विद द डिस्टिल वाटर। ये प्रिपरेशन का तरीका है जैसे सोडियम थायोसल्फेट कैसे बनेगा। उसके बाद इसका स्टैंडाइजेशन करेंगे, ठीक है, 0.1 n सोडियम थायोसल्फेट है, आप यहाँ पर 0.1 n, 0.2 n या 1 n जो भी है उसको आप बना सकते हैं। उसके हिसाब से आप उसके मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट को कैलिब्रेट करके, उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पर उस स्टैंडर्ड का सोल्यूशन बना सकते हैं। अब कैसे स्टैंडाइज करेंगे, टेक 10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, 10 ml हम ले लेंगे पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, एड 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, कीप इट इन डार्क फॉर 10 मिनट्स, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च इंडिकेटर एंड टाइटेट विद सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च सोल्यूशन एज इंडिकेटर अनटिल द ब्लू कलर इज डिसअपीयर। भाई आप एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लीजिए, उसमें आप क्या करिए, 10 ml पोटेशियम आयोडाइड डाल दीजिए, 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड उसमें डाल दीजिए, 5 ml डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए और 10 मिनट तक इसको अंधेरे में रख दीजिए। फिर 2-3 ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर डालने के बाद सोडियम थायोसल्फेट जो आपने प्रिपेयर किया है उससे आप इसका क्या करिए, रिएक्शन कराइए, मतलब टाइट्रेशन कराइए, और जब तक वो कलर जो ब्लू कलर है वो पूरी तरह से डिसअपीयर ना हो जाए तब तक आप इसको रिएक्शन कराते रहिए, मतलब टाइट्रेशन कराते रहिए, और इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार रिपीट करें। और इसके बाद आप N1V1 N2V2 का फार्मूला लगाकर फिर N2 यानी नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आप निकाल सकते हैं। तो इस पूरे जो स्टैंडाइजेशन का मतलब है वो यही है कि हमें जो भी कंपाउंड हमारे पास है उसके स्ट्रेंथ को चेक करना है, उसकी नॉर्मेलिटी को चेक करना है, और उसको चेक करने के लिए हमको प्राइमरी स्टैंडर्ड का ही यूज़ करना है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट यही है, इसको स्टडी करें। थैंक यू।